उन्होंने वीडियो डाली थी हिमाचल बालक सुंदरी की, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। तो जो ऋषिकेश है वहाँ से हिमाचल से 140 किलोमीटर की दूरी है, पर थोड़ा हिल का रास्ता तो लग जाता है 3.5 से 4 घंटे। और मैं हूँ इस समय देहरादून में, क्योंकि हम लोग ने लंच भी नहीं किया था, तो हम लोग देहरादून में रुके हुए गुलाब रेस्टोरेंट। तो देखिए हम लोगों ने मंगाया है डोसा, देहरादून से ऋषिकेश के लिए, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और मौसम मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी आंधी सी आ रही है और जाम भी हो रहा है। ब्लॉग चल रहा है ऋषिकेश का, तो मैं हूँ ऋषिकेश के बहुत प्रसिद्ध मंदिर में। वीरभद्र मंदिर है, जैसा कि आप लोगों ने नीलकंठ महादेव का नाम सुना होगा, और ये मंदिर है वीरभद्र का मंदिर, जो कि मेन ऋषिकेश में ही है और बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ की। क्या क्या बताएंगे आप यहाँ के विषय में? हम बहुत प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ पर विद्यमान है, हम बहुत पहले से यहाँ आया करते हैं जी। और यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगा करती है, हर सोमवार को विशेषकर यहाँ बहुत भीड़ रहती है। और ऋषिकेश के ही नहीं, यहाँ दूर दूर से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? पुलकित गुप्ता। जय भोले। जय भोले। देखा कि आपने, पुलकित जी ने बताया कि यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, ये है वीरभद्र का मंदिर। वीरभद्र यानी शंकर जी के गढ़, शंकर जी के गढ़। 7 या 8 गढ़ थे, वीरभद्र, मणिभद्र, श्रृंगी, भृंगी, इस तरह से वीर। मैं एक ऐसा शिवलिंग दिखाने जा रही हूँ कि जो लोग मंदिर जाते हैं, और शायद काफ़ी लोगों को ऐसा नहीं पता, मंदिर के बराबर में एक छोटा गेट है और पतला सा रास्ता जा रहा है। और यहाँ कहते हैं कि पेड़ के अंदर से ही काफ़ी शिवलिंग निकले, और पर वैज्ञानिकों ने काफ़ी यहाँ पता लगाने की कोशिश की, पर अभी तक पता नहीं चल पाया कि वह शिवलिंग कहाँ से निकले हैं। तो चलिए इस रास्ते से चलेंगे, ये मंदिर के किनारे किनारे पीछे का रास्ता है। पहले हम यहाँ के शिवलिंग में जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। शिवलिंग दिखाई दे रही हूँ कि 10 फुट की यहाँ खुदाई भी हो चुकी है, पर वह शिवलिंग का नीचे तक है, अभी तक है नहीं पता चला कि शिवलिंग कैसे निकला, स्वयं प्रकट हुआ है पेड़ के अंदर। आप देखिए पूरा वृक्ष है, ये गुफा नहीं है, वृक्ष है, वृक्ष के अंदर इतना बड़ा शिवलिंग है। पहला शिवलिंग वो था जो वृक्ष के अंदर था, दूसरा शिवलिंग ये है। इस तरह के 3 शिवलिंग यहाँ मौजूद हैं। तो जय भोले। वो बीच खेतों में, और हमने आपको 2 शिवलिंग दिखाए हैं, अब तीसरा शिवलिंग हम आपको दिखाएंगे। हम जा रहे हैं खेतों के बीच में शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, यह है तीसरा शिवलिंग। ये देखिए, यह है तीसरा शिवलिंग, यह है तीसरा शिवलिंग। आप लोग देख रहे हैं जो शिवलिंग है वो है सोमनाथ की तरह, जो हमारी ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, ये भी वृक्ष के बीच में है। 3 शिवलिंग है, और ये है हमारा। मैं खेतों के बीच से जा रही हूँ, ये देखिए मैं खेतों के बीच से जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, तो जिनको हम कह सकते हैं एकांतेश्वर शिवलिंग। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है मंदिर की पार्किंग के अंदर, ये ही है वीरभद्र का मंदिर, ये शिवलिंग है। ये है वीरभद्र का मंदिर, लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब बराबर करें। आपकी और मेरी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, तो जय भोले की।